दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा दायर किया था और कहा था कि आईसीजे इसराइल को गाजा में तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दे और गाजा में हुए नरसंहार के लिए इसराइल इजरायली सेना और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को और अन्य नेताओं को जवाबदेह ठहराए। और अब लंबी सुनवाई के बाद आईसीजे ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को आदेश दिया है कि वो दक्षिणी गाजा के शहर रफा में तुरंत युद्ध रोके और गाजा से तुरंत अपनी सेना को वापस बुला ले। आईसीजे के अध्यक्ष और प्रमुख जज नवाफ सलाम ने आदेश पढ़कर सुनाते हुए कहा कि मार्च में अदालत द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय अब फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं और एक नए आपातकालीन आदेश देने के लिए शर्तें पूरी हो गई हैं। इसराइल को रफा में अपने सैन्य हमले और किसी अन्य कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए जो गाजा में फिलिस्तीनी समूह को जीवन की ऐसी स्थिति में डाल सकता है जो उसके आंशिक या पूरे भौतिक विनाश का कारण बन सकता है। रफा में मानवीय स्थिति विनाशकारी है। The state of Israel shall, in conformity with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and in view of the worsening conditions of life faced by civilians in the Rafah governance, A, by 13 votes to 2, immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governance which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that would bring about its physical destruction in whole or in part. आपको बता दें कि ICJ के 15 जजों के एक पैनल में ये एक प्रारंभिक आदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि गाजा में नागरिकों की मौतों को रोकने और मानवीय पीड़ा कम करने के लिए ये आदेश जारी किया है। सबसे अहम बात यह है कि ICJ का ये आदेश बाध्यकारी है जिसे इसराइल को मानना ही होगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस UN की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन ICJ के आदेश में एक अड़चन और आ सकती है। वो ये है कि ICJ की खुद की कोई पुलिस नहीं है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की दक्षिण अफ्रीका के वकील ने ICJ से रफा को लेकर आपातकालीन उपाय लागू करने की गुहार लगाई थी। वकील ने कहा था कि रफा पर हमला तुरंत रुकना चाहिए जिससे फिलिस्तीनियों का जीवित रहना सुनिश्चित हो सके। और दक्षिण अफ्रीका की इस अदालत पर ICJ के 15 में से 13 जजों ने माना कि रफा में हालत लाल रेखा तक पहुंच चुके हैं। हालात असाधारण रूप से भयानक है। इसको लेकर अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, ICJ के प्रमुख जज ने कहा है कि 8 लाख लोग विस्थापित हुए और उन्हें इसराइल की बात पर विश्वास नहीं है कि उसने लोगों को सुरक्षा और मानवीय पहुंच मुहैया कराई है। जज ने माना है कि इसराइल के इस दावे का कोई सबूत नहीं है और इसी को लेकर ICJ ने इसराइल को आदेश दिया है कि वो तुरंत गाजा के बॉर्डर को खोल देगा जिससे गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता जल्द से जल्द पहुंचे।